थी कि आप दीपक को जानती हो, तो मैंने बोला कौन दीपक? वही जो बाजू में धमाका वाले हैं। मैंने बोला कि वो तो बहुत अच्छा लड़का है, मैं तो उसको जानती हूँ। तो मैंने कहा क्यों अभी तेरे को उसने पसंद किया है, कुछ बोला है क्या? तो उसने बोला हाँ, या मुझे मिल गया लड़का जो मेरे को संभाल सकेगा। फिर बस तो दीपक ने अपने घर में बात करी, पूरा उसको सुनाया कि मैं बात कर रहा हूँ, और उसने बोला कि अपने पापा से बात करो, क्योंकि इसने बोला था कि लड़का देख रहे हैं घर में। तो अब ये मुझे बोलती है मैं पापा से बात कैसे करूँ? मैंने बोला पापा तो बहुत एडवांस है, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, और लड़के में कुछ कमी भी नहीं है, तो क्यों ना करेंगे। खैर बहरहाल जैसे तैसे बात हुई, बस हो गया। The day I told my best friend about him, I told her that he is the guy I want to be. He is the guy who can handle my anger, my arrogance, my craziness, my behavior, everything. He is the person who can completely set me right in a track, make my life stable. बहुत टेंशन हो रही थी कि बाय गॉड टाइम पर रेडी होना है। तब तो कुछ बुलट वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, बट फाइनली व्हेन आई गॉट रेडी एंड एवरीबॉडी वाज लाइक नहीं अभी तो बारात को टाइम है, तब मैं थोड़ी फील में आई कि अब मैं दुल्हन बनी हुई हूँ। मैंने जब कृतिका को पहली बार शादी के लहंगे में देखा, लाइक वॉज वेरी ब्लैंक एक्चुअली, यार समझ में नहीं आया था कृतिका ये और कोई, लेकिन वेरी प्रिटी। पंडित जी ने कहा था मुझे, आई स्टिल रिमेम्बर द वर्ड्स पंडित जी टोल्ड मी, अब बस भी करो, बस भी करो। अब तुम दोनों ऊपर चढ़ो के बस भी करो। दीपक बहुत नॉर्मल लग रहा था, जस्ट लाइक एनी अदर डे ही लुक्स। My father has been busy with work, my sister has been busy with her work, but my mother has, since I'm a very late born child, I'm very very younger to my sister, we have a huge years of gap, so she's been my sister, she's been my father, she's been my mother, she's been my best friend, she's been everything to me. I have never hidden anything from her, she's always understood me. घर पे एंटरटेनमेंट पैकेज आ रहा है, माय फैमिली वाज यू नो प्रिटी, हाँ सुबह उठो काम करो,
घर जाओ दुकान जाओ घर दुकान जाओ घर जाओ वापस आओ खाना खाओ सो जाओ. सो बेसिकली व्हाट हैज कृतिका डन इज यू नो एंटरटेनमेंट. अब क्या है कि अपने रूम में आके वो रूम में अगर जो झांको तो खाली खाली दिखता है, अच्छा नहीं दिखता. लेकिन खुशी है कि वो अपने घर में खुश है, सुखी है, बहुत अच्छे से हैं. दीपक भी बहुत अच्छा है, उसके मम्मी पापा वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं. उसी से हमें बहुत खुशी है.